खबरों पर चर्चा विस्तार से। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर बनी सैयद लाइन शाह बाबा की मजार पर अब सियासत गरमाती जा रही है। इस मजार पर पिछले 3-4 सालों से रेलवे प्रशासन ने मजार आने जाने पर और धार्मिक क्रियाकलाप पर रोक लगा रखी है। रेलवे के कई दशकों से काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि यहां सैयद लाइन शाह बाबा की मजार है, जो कि रेलवे की दुर्घटनाओं को बचाए रहते हैं। यहां हर गुरुवार को मेला लगता था, जहां चुनरी, फूलमाला, अगरबत्ती और रेवड़ी की दुकानें लगती थी। जब ट्रेन आती थी तो यात्री मजार के सामने आने वाले दरवाजे से न उतरकर आगे या पीछे के दरवाजों से प्लेटफॉर्म से उतरते थे और वहीं प्लेटफॉर्म पर मजार पर पूजा पाठ के मामले में जब कानपुर में जब डिप्टी चीफ ट्रैफिक मैनेजर रेलवे से जब बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि 2019 से पोस्टिंग के बाद न तो यहां मजार की बात सामने आई, न ही रेलवे के रिकॉर्ड में प्लेटफॉर्म पर मजार होने की बात सामने आई है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक जानकारी है कि यहाँ पर लाइन शाह बाबा नाम से एक मजार थी और पूजा पाठ की। अब क्या स्थिति है? देखिए, मैंने यहाँ 2019 में ज्वाइन किया है, तो मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले और मेरे ज्वाइन करने के बाद ऐसी कोई मजार मेरे संज्ञान में नहीं है, ना इस तरह कोई पूजा पाठ होता है और ना हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध है। यदि ये मजार वगैरह हमारे जो भी सर्ग स्थल यदि है तो कोई हमारे रिकॉर्ड में कहीं उपलब्ध नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक मजार है, आप कब से ये देख रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या होता था? ये मजार लाइन शाह बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और ये हम जितने साल हमारी नौकरी खो गए 35 साल से, उससे पहले से भी हम जानते हैं कि यहाँ पर मजार है और यहाँ पर चादर चढ़ती थी, दुकानें लगती थी, रेवड़ी बढ़ती थी और जो भी कार्यक्रम के होते थे बृहस्पतिवार को होते थे। अच्छा, उस समय जब ये होता था कोई ट्रेन आ जाए, यात्री लोग जब भीड़ रहती थी, अब तो खैर लॉकडाउन में भीड़ नहीं रहती है, एक समय में बहुत भीड़ होती थी, तब यहाँ पे ये सब कैसे होता था? दूर से ही हॉर्न देती थी गाड़ी, जो लोग 2-4 लोग नीचे बैठे रहते थे वो ऊपर आ जाते थे और गाड़ी अपनी निकल जाती थी। यहाँ पर कब से हो? मैं यहाँ पर 45 साल से हूँ और CHI विभाग से हूँ। यहाँ पर एक 3 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर जो मजार है, आप कब से देख रहे हो, यहाँ पर क्या क्या होता है? बाबा की मजार को मेरे देखते देखते शायद आज 45 साल हो रहा है और पूजा पाठ भी होती थी और बाबा के चमत्कार भी मैंने देखे हैं, जो कि मैं खुद से मैं कर्मचारी सफाई कर्मचारी हूँ और लाइन में काम कर रहा था। मेरे लाइन 45 फुट की लाइन मेरे पैर पर गिरी, मेरे खरोच तक नहीं आई और जब तक मैं प्लेटफॉर्म पर रहा हूँ, जब तक मेरी आँखों के सामने लोग गिरे हैं उनको कोई आज तक हादसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा बाबा का चमत्कार है और मेरे ही जानकारी के अनुसार मैंने देखा है बाबा का चमत्कार कि जब कभी कोई गाड़ी आती है तो प्रशासक दोनों ही उसको जानते हैं, इसलिए इस तरीके से कम गाड़ियां लेते थे। अब नए प्रशासक के हिसाब से जो गाड़ियां अब आ रही है और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भीड़ होती है, प्लेटफॉर्म पर दिक्कतें होती, इसलिए अब नहीं हो पा रहा है। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews.